कोविड काल में मारे गए लोगों की आत्मशांति तथा समरसता को लेकर देपालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने चुनाव के पहले अपनी ताकत दिखा दी। यहां उन्होंने करीब 3 किलोमीटर लंबी यल कलश यात्रा निकाली, जिसमें हजारों महिलाएं कलश लेकर इंदौर रोड स्थित स्वर्गीय पूर्व विधायक जगदीश पटेल वेयरहाउस मैदान से निकली। कलश यात्रा का पहला सिरा 24 अवतार मंदिर महातीर्थ में था, वहीं दूसरा सिरा वेयरहाउस पर था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देपालपुर में तपती गर्मी में हजारों महिलाओं का हुजूम कलश लेकर निकला, क्योंकि यहां पर विधायक विशाल पटेल के द्वारा 24 अवतार मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर करीब 3 किलोमीटर लंबी महिलाओं की कतार दिखाई दी, जहां पर जगह जगह विभिन्न मंचों से यात्रा का स्वागत भी किया गया। यात्रा के दौरान सड़क पर टैंकरों से पानी डाला गया ताकि महिलाओं के पैर ना जले। इसके साथ में हजारों महिलाओं के नाश्ते, पानी व भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसकी महिलाओं ने खूब तारीफ की। बहुत आनंद आया, बढ़िया शांति पूर्वक आए, ना धक्का धूमी थी ना कुछ भी नहीं था। बहुत हम इंदौर से आए, हरियन से आए, नहीं पहली बार देखी इतनी भीड़ हमने, पहली बार देखी इतनी भीड़ हमने भैया। ये पहली बार मिली ऐसी जो कलश यात्रा इतनी अधिक तरीके से, बहुत ज्यादा और आनंद भी आया और अच्छा लगा। हम तो बहुत, हमें कोई गिनती नहीं है कि हम गिनती नहीं कर सकते, गिनती करने वाले भूल जाए कि हम गिनती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गिनती नहीं कर सकते, इतनी पब्लिक आई है यहाँ पर। कलश यात्रा का दौरा विधायक विशाल पटेल व उनकी पत्नी कुसुम पटेल, महिलाओं और धर्मप्रेमी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे, जिन्होंने सोमवार से शुरू होने वाले 108 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत पर आयोजन का अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेने की अपील की है। मुझे इस प्रकार से पूरी उम्मीद थी कि मुझे जो आशीर्वाद देपालपुर विधानसभा की माता बहनों ने दिया है, ये मैं ये कहूँगा विश्व रिकॉर्ड बनना जा रहा है। अभी तक इतना बड़ा जन समूह और कलश यात्रा इतनी बड़ी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं निकली होगी। ये माँ गायत्री की, भगवान भोलेनाथ की और भगवान 24 अवतार की, भगवान की सभी की का आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से यहाँ एक कलश यात्रा के रूप में जो आशीर्वाद देने मात्र शक्ति निकली है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस यज्ञ के माध्यम से 108 कुंडी गायत्री यज्ञ और महामृत्युंजय यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र का कहीं ना कहीं कल्याण होने जा रहा है। यही एक कारण है इतने जन समूह में यह मात्र शक्ति। गायत्री की कृपा है, उन्हीं की भक्ति है और उन्हीं की श्रद्धा में लोग इतने दीवाने हैं कि ये भीड़ का बोलो ना कोई अंत नहीं है। तो ये कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, 24 अवतार मंदिर की कृपा है जहाँ हमारे गुरुजी विराजमान है, सबकी कृपा है, सबका आशीर्वाद है और उसी भक्ति के रंग में सब डूब के आज लहराते हुए यहाँ माँ गायत्री के कलश को लेके आ रहे और बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं, ये उनकी महिमा है। आपको बता दें कि 108 कुंडीय यज्ञ में गायत्री परिवार के मुख्य आचार्य दीपक शर्मा, पंडित वैदिक शुभम शर्मा, पंडित अखिलेश शर्मा के साथ विद्वान पंडित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुतियां अर्पित कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देपालपुर।